बीपी लेने के लिए अक्सर हम स्पेग्नोमैनोमीटर या बीपी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं या फिर काफ का यूज करते हैं, घड़ी वाला जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हाथ पैर ही ना हो पेशेंट के? सर हाथ पैर के अंदर बीपी कहाँ से लेते हैं? ये ब्रेकियल आर्टरी है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, काफ बांधते हो तो आ जाता है, पैर के अंदर भी इसी तरीके से आता है। लेकिन अगर हाथ पैर हो ही ना किसी पेशेंट के तो हम किस तरीके से लेंगे, इसी बारे में आज बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हम है आप है मेडिकल ज्ञान, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो इसके अंदर हम आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की आर्टीरियल जो लाइन होती है उसका यूज करते हैं। आर्टीरियल लाइन मतलब आर्टरी में लगने वाली एक लाइन, लाइन का मतलब एक होता है कैनूला, एक कैनूला होता है जो आर्टरी के अंदर लग जाता है और वहां से प्रेशर को मेजर करता है। इस आर्टीरियल लाइन प्रोसीजर के अंदर, इसके अंदर हम पीएमओ लाइन का यूज करते हैं, प्रेशर मॉनिटरिंग लाइन होती है, जिसके अंदर प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। एक लाइन मतलब एक ट्यूब होती है पूरी पूरी, इसे आर्टरी में लगाया जाता है और इसे आप बीपी मेजर करते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको काफी सारी वीडियो डिजीज मेडिसिन और नर्सिंग प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर से रिलेटेड काफी वीडियो है, तो आप सब देख सकते हैं। तो आर्टेरियल ब्लड लाइन, आर्टेरियल जो लाइन होती है या पीएमओ लाइन, आर्टेरियल विधियां कह सकते हो आप, पीएमओ लाइन कह सकते हो, किस तरीके से काम करती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक कैनूला होता है। तो कैनूला जो है वो आपकी आर्टरी के इंसर्ट किया जाता है, लग जाता है कहीं। इसी से ही हम एबीजी भी ज्ञात कर सकते हैं, एबीजी के अंदर भी इसी से ही हम ज्ञात करते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस। आपकी आर्टरी में जो भी गैसें हैं उनका पता लगाना एबीजी एक टेस्ट होता है जो आर्टरी के अंदर लगता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कैनूला होता है वो एक पेशेंट लाइन से जुड़ जाता है, पीएमओ लाइन की पेशेंट वाली साइड से जुड़ता है, और दूसरा इसके बीच में ट्रांसड्यूसर लगा होता है, और थर्ड वन होता है जो इसके अंदर वो मॉनिटर के साथ जुड़ने वाला एक पार्ट होता है जो मॉनिटर में जुड़ता है और आपको इसके रीडिंग देता है। ये ऐसा तो नहीं है कि आप घर पे कर सकते हैं, आप किसी को फोन आया कि बीपी चेक कर दो और आप गए और बीपी चेक कर दिया, ऐसा नहीं है। ये हॉस्पिटल में होने वाला एक प्रोसीजर है जो सिर्फ हॉस्पिटल में किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के या एक्सपर्ट डॉक्टर के ही हाथों से होता है। आप इसको हर कोई नहीं कर सकता है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर ही करता है। जैसे ऑपरेशन चल रहा हो तब डॉक्टर करेगा, कोई सर्जरी के बीच के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट लेना हो बीपी तो उस टाइम लिया जाता है। तो आप खुद इसे नहीं कर सकते हैं और ना ही कीजिएगा, डॉक्टर की सलाह, इस काम के अंदर डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होती है और पेशेंट को भी कंफर्ट करना जरूरी होता है, उसको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। आप ऐसी गलती मत कीजिए कि पेशेंट को पता ना चले, इसलिए हर पेशेंट को इस बारे में पता होना चाहिए। इसे कंसर्ट साइन होते हैं, थोड़ा रिस्की प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड होता है, घुमावदार होता है आप कह सकते हो, ठीक है, पेचीदा चीज है, तो इसको करने में समय भी लगता है और ये प्रोसीजर होता भी डेंजरस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल इंडिया। थैंक यू वेरी मच।